एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक एंड आज की वीडियो का टॉपिक है अग्रेशन एंड थ्योरीज, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पेपर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सो वंस अगेन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी रिमाइंड यू दैट वी हैव बिगिन विद अ सीरीज इन द नेम ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंसेज लेट्स क्रैक इट, जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट लेवल का साइकोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं वेरियस पेपर्स एंड वेरियस टॉपिक्स। अभी तक हम लोग जनरल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी कवर कर चुके हैं एंड सोशल साइकोलॉजी के भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। वी आर जस्ट लेफ्ट विद टू और थ्री टॉपिक्स मोर एंड वन ऑफ देम इज अग्रेशन एंड थ्योरीज। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग कि अग्रेशन क्या होता है, क्या टाइप्स हो सकते हैं अग्रेशन के, और अग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में। सो वेन वी टॉक अबाउट अग्रेशन, विच इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, और हम सब सुनते ही रहते हैं अग्रेशन कि दैट पर्सन इज़ वेरी अग्रेसिव, अग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। तो इनडायरेक्ट अग्रेशन हो सकता है और डायरेक्ट अग्रेशन हो सकता है। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो डायरेक्ट अग्रेशन इज कि एक बिहेवियर जो आप कर रहे हो दूसरे इंसान को फेस टू फेस हर्ट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्रेशन चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों में इंटेंशन अग्रेशन परफॉर्म करने का दूसरे इंसान को हर्ट करना ही है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अग्रेशन विल बी जहां पे आप फेस टू फेस यू नो हर्ट कर रहे हो सामने वाले को, या तो यू नो फिजिकली बाय पुशिंग और मे बी किकिंग, या फिर वर्बली बाय इंसल्टिंग समबडी और कर्सिंग समबडी। सो वो हो गया आपका डायरेक्ट अग्रेशन, जहां पे फेस टू फेस आप अपना अग्रेशन डिस्प्ले कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड कम्स योर इनडायरेक्ट अग्रेशन, जहाँ पे आप हर्ट तो कर रहे हो किसी को बट बिहाइंड देयर बैक। सो होता है ना somebody by gossiping or speaking ill at somebody's back, तो ये कुछ examples है indirect way of showing aggression by not coming in front of that person but by speaking ill at their back, या उनके पीछे पीठ पीछे sort of you know aggression करना ताकि वो hurt हो सके। And another two types of aggression can be hostile aggression and instrumental aggression. Now what is the difference? तो hostile aggression एक hurtful behavior होता है जो आपकी एंग्री फीलिंग्स की वजह से होता है, बिकॉज यू आर वेरी एंग्री ऑन समबडी और ऑन समथिंग। इस हद तक आप एंग्री फील कर रहे हो दैट यू गेट आउट ऑफ योर ओन कंट्रोल, और उस रेज में, उस फिट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत अग्रेसिव बिहेवियर करने लग जाते हो, तो वो सॉर्ट ऑफ होता है हॉस्टाइल अग्रेशन। तो फॉर एग्जाम्पल कि यू नो आपको इतना ज्यादा किसी इंसान पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने आपको झूठ बोला या उसने आपको मिसगाइड किया, दैट यू आर फीलिंग सो एंग्री ओवर that person कि एकदम आप you know blind rage में उस इंसान के towards एक chair उठा के फेंक देते हो, तो वो होता है hostile aggression, जहाँ पे आप एक ऐसा behavior exhibit कर रहे हो जो out of control हो गया because of your angry feelings, और वो दूसरे इंसान के लिए hurtful है। Whereas on the other hand, instrumental aggression क्या है, that you are hurting another person so that you can accomplish your goal. तो आप एंग्री प्रोबेबली इतने नहीं हो, लेकिन आपके मन में आपका कोई गोल है, या तो उस इंसान को पनिश करने का गोल है, या अपना खुद का स्टेटस इंक्रीज करने का गोल है, या फिर कोई यू नो अपने आप को या अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने का गोल है, तो इस वजह से कुछ ऐसे गोल्स अचीव करने के लिए आप सामने वाले इंसान को हर्ट कर देते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक जो सोल्जर होते हैं वो अपने एनिमीज को किल करते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्ट कर पाए अपनी लैंड को, सो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अग्रेशन दैट दे आर डिस्प्लेइंग टुवर्ड्स देयर एनिमीज, लेकिन वो काउंट होगा इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में क्योंकि वो एक गोल अचीव करने के लिए दूसरे इंसान को हर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ योर अग्रेशन जिनके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अगर एमसीक्यू में आ जाए तो, ठीक है। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थ्योरीज ऑफ अग्रेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू लिसन टू मी बिकॉज इट्स ओनली द वॉइस दैट आई हैव केप्ट फॉर दिस पार्ट, मैंने लिखा ज्यादा नहीं है। सो फर्स्ट थ्योरी है आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो कि अर्लीस्ट थ्योरी है अग्रेशन को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और ये इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने। सिगमंड फ्रॉयड, आई होप यू ऑल रिमेंबर, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, जो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट था, अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत फोकस था, वो थे सिगमंड फ्रॉयड, उनकी थ्योरी थी। और इंस्टिंक्ट थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी, एंड सिगमंड फ्रॉयड ने दो टाइप की इंस्टिंक्ट्स की बात की थी। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट की, यू नो यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू वांट टू लिव, यू वांट टू बी हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट, और एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, दैट यू डोंट वांट टू बी क्रिएटिव, यू वांट टू हार्म अदर पीपल एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो वो डेथ इंस्टिंक्ट होती है एक तरीके की। और इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो हमको यही बताती है कि ये जो ह्यूमंस का अग्रेशन होता है ना,
वो एक इनेट बायोलॉजिकल चीज होती है, और उसमें क्या होता है कि जो ये डेथ इंस्टिंक्ट होती है हम इंडिविजुअल्स में, जब वो डेथ इंस्टिंक्ट दूसरे लोगों के टूवर्ड्स डायरेक्ट हो जाए, देन इट बिकम्स एन अग्रेशन. एंड ऑल ऑफ अस टू सम एक्सटेंट हैव लाइफ इंस्टिंक्ट एज वेल एज डेथ इंस्टिंक्ट. ठीक है, और जिस भी इंडिविजुअल में डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और वो इंडिविजुअल अगर उस डेथ इंस्टिंक्ट को दूसरे लोगों के टूवर्ड्स या आउटवर्ड जो है डिस्प्ले करना शुरू कर दे, देन दैट विल रिजल्ट इन अग्रेसिव बिहेवियर और अग्रेशन ऑफ एनी टाइप. ठीक है, तो इंस्टिंक्ट थ्योरी हमें यही बताती है कि ये जो अग्रेसिव टेंडेंसीज है, ये हमारी एक इननेट बायोलॉजिकल डिजायर है, एक हमारी बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट. फिर सेकेंड थ्योरी है न्यूरल इन्फ्लुएंसेस थ्योरी. तो ये जो सारी थ्योरीज है ना, ये बायोलॉजिकल बेसिस बताती है अग्रेशन का, कि बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, हमारी फिजिकल बॉडी से अग्रेशन कैसे रिलेटेड है. तो न्यूरल इन्फ्लुएंसेस वाली जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अग्रेशन को. ठीक है, कि अगर उन ब्रेन के रीजन्स में कुछ गड़बड़ होए या कुछ भी चीज़ होए, एबनॉर्मैलिटी होए, कोट एंड कोट एबनॉर्मैलिटी, तो हमारे अग्रेसिव बिहेवियर हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीज ब्रेन रीजन? एक है एमिगडेला और एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सो आई विल नॉट रिपीट वेयर एमिगडेला एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आर, बिकॉज बायोसाइकोलॉजी में डिटेल में हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एमिगडेला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन. एंड बोनस पॉइंट्स टू समबडी हु इवन टेल्स कि फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट है. ठीक है, टाई एनसेफेलो या डेल एनसेफेलो, ऑल राइट. ठीक है, टेल एनसेफेलो या डाई एनसेफेलो. ठीक है, चलिए, न्यूरल इन्फ्लुएंसेस हो गया कि ब्रेन के रीजन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एमिगडेला है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है. फिर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या बोलते हैं, कि कुछ हमारे जीन्स होते हैं सिस्टम में, सॉर्ट ऑफ सेरोटोनर्जिक जीन्स, और ये जो पॉलीमॉर्फिक जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर जीन के, तो इस जीन के जितने भी वेरिएंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अग्रेसिव बिहेवियर के. सो जितने ज़्यादा ऐसे जीन्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, उतने ज़्यादा वो अग्रेसिव होते जाएंगे. एंड देर आर चांसेस कि हम इन जीन्स को अपनी सॉर्ट ऑफ इनहेरिट कर ले अपने एंसेस्टर्स से या अपने डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से. सो वो हो गया आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस. एंड देन अनदर थ्योरी इज रिलेटेड टू योर बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस. तो बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस टॉक्स अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि भाई कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो अग्रेसिव टेंडेंसीज को ब्लो दे सकते हैं. तो वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन. ठीक है, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, विच इज हाई इन मेल्स. एंड वन ऑफ द रिसर्च स्टडीज ऑल्सो हैव शोन कि क्यों मेल्स में ज्यादा अग्रेशन होता है, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा होते हैं. एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्रेशन अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस थ्योरी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, तो ये कुछ चार थ्योरीज हैं जो एक सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस बताती हैं हमें अग्रेशन का. फिर एक दूसरी थ्योरी आती है ड्राइव थ्योरी. ड्राइव थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, कि भाई कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस अराइज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में. मे बी वो एक्सटर्नल कंडीशन है कि एक बहुत ही अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप जहाँ पे आपको बिल्कुल बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी मच रही है, बड़ी चिड़ मच रही है. वो एक्सटर्नल कंडीशन जो है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेंगी, और वो क्योंकि हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस या जो सॉर्ट ऑफ होता है ना बैलेंस, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बैलेंस को डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करके इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, तो हमारी बॉडी में एक सॉर्ट ऑफ ड्राइव इमर्ज होएगी, ड्राइव टू हार्म अदर्स और ड्राइव टू इंजर अदर्स. तो दूसरे लोगों को हार्म करने की ड्राइव या दूसरे लोगों को इंजर करने की ड्राइव, क्योंकि हम एक ऐसी अनप्लेजेंट सी सिचुएशन में है. एंड दैट ड्राइव रिजल्ट्स इन अग्रेशन, ओवर्ट अग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा अग्रेशन जिसे हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी ड्राइव थ्योरी बताती है कि जब आपकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा अनप्लेजेंट सा हो रहा हो एक्सटर्नल कंडीशन से, तो वो आपकी बॉडी में एक ड्राइव रिलीज करती है, और उस ड्राइव की वजह से आपको मन करता है कि आप दूसरे लोगों को हर्ट करो
और सॉर्ट ऑफ एक ओवर्ट अग्रेशन जो है डिस्प्ले होना शुरू होता है. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फेमस फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस. न्यूमरस एमसीक्यूज हैव ऑलरेडी कम अपॉन दिस टॉपिक. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल सी हाइपोथेसिस है, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है समझने में. और ये दी थी डॉलर्ड एंड मिलर ने. सो प्लीज रिमेंबर दैट हु गेव इट. ठीक है, डॉलर्ड एंड मिलर ने दी थी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस. और ये यही कहती है कि अगर आप किसी चीज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, नाउ व्हेन आर वी फ्रस्ट्रेटेड, हमारा कोई गोल है और उसे अचीव करने में अगर कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अगर मेरे को कोई भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने में मुझे रोक रहा है कोई, या कोई कोई ब्लॉकेजेस आती जा रही है अपने गोल से रिसीव करने से पहले, तो आई विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आज आपको एक घंटे के अंदर अंदर अपना सारा जो है सोशल साइकोलॉजी के अभी तक के जो हमने टॉपिक्स कवर किए उनको रिवाइज करना है, लेकिन उस एक घंटे में कोई ना कोई आके आपको बोले जा रहा है कि बेटा यहाँ से इस दुकान से ये सामान ले आओ, या फिर अरे उसको बुला लाओ, उसको हमें कुछ सामान देना है, या फिर अपने उस रिलेटिव को फ़ोन करके ज़रा बात कर लो, उन्हें बात करनी है आपसे, तो आपको थोड़ी बहुत धीरे धीरे चिड़सी मचने लग जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, क्योंकि आपका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने गोल के टूवर्ड्स रीच करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है. सो एट दैट टाइम अराइजेस आर फ्रस्ट्रेशन. एंड फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से ही हर एक टाइप की अग्रेशन रिजल्ट होती है. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस हमें यही कहती है कि अगर हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी भी चीज से, चाहे उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हर एक टाइप का अग्रेशन होता है. सो दैट इज द हाइपोथेसिस गिवन बाय डॉलर्ड एंड मिलर. और एक फाइनल थ्योरी जो हम अग्रेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो है जनरल अग्रेशन मॉडल. ठीक है, मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये चीज़ बनाई है ताकि आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए. तो ये जो जनरल अग्रेशन मॉडल है, दिस मॉडल वॉज गिवन बाय एंडरसन एंड बुशमैन इन द ईयर ऑफ 2002. ठीक है, एंडरसन एंड बुशमैन ने ये मॉडल दिया था. और इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था कि भाई कुछ इनपुट वेरिएबल्स होते हैं. कौन से होते हैं ये इनपुट वेरिएबल्स? एक तो आपके सिचुएशनल फैक्टर्स और एक आपके पर्सनल फैक्टर्स. तो इनपुट देते हैं ये हमारी बॉडी में, ठीक है, सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे कि किसी ने डायरेक्टली आपको प्रवोक करने की कोशिश की है, या मे बी आप फ्रस्ट्रेट हो रखे हो बहुत ज़्यादा, या आपने किसी को ऑलरेडी अग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हुए अपने आसपास देखा है, विच इज़ नोन एज अग्रेसिव मॉडलिंग. ठीक है, या फिर आपको अपनी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे क्यूज मिल रहे हैं जो आपके लिए अग्रेशन प्रोवोकिंग है. तो वो हो गए आपके सिचुएशनल फैक्टर्स. जब ये सिचुएशनल फैक्टर्स आपके पर्सनल फैक्टर्स से मिलते हैं, पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि बाय नेचर यू आर मे बी अ वेरी इरिटेबल पर्सन, या आपके बिलीव्स और एटीट्यूड कुछ ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ रिजॉल्व होगी बाय अग्रेसिव टेंडेंसीज और अग्रेशन से बिहेव करके कोई चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, या फिर आपकी बहुत नेगेटिव अफेक्टिविटी है कि बहुत जल्दी आप दिल पे बातें लगा लेते हो और इमोशनैलिटी कुछ ज़्यादा ही है और अग्रेसिव टेंडेंसीज आ जाती हैं. सो जब ऐसी सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे ऐसे पर्सनल फैक्टर्स के साथ मिलती है तो वो टुगेदर मेक करती है एक इनपुट, और वो इनपुट रिजल्ट करता है हमारे करंट इंटरनल स्टेट में. तो जैसे भी सिचुएशन है, यानी कि जैसा भी इन्वायरमेंट है और जैसे हम हैं, जैसी हमारी पर्सनालिटी है, वो दोनों इंटरैक्ट करके हमारे करंट इंटरनल स्टेट बनाती हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं बाय अफेक्ट, बाय अराउजल एंड बाय कॉग्निशन. तो अफेक्ट क्या है कि कैसा इमोशन आप उस वक्त फील कर रहे हो. आर यू फीलिंग वेरी अग्रेसिव? क्या आप इम्पल्सिव एक्शन लेने की सोच रहे हो, बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, या यू आर कूल एंड काम एंड कंपोज्ड? ठीक है, सेकेंड होता है हमारा कि अराउजल कैसा है. ठीक है, कि हाउ अराउज्ड आर यू, कि कैसा आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर रहे हो. कोई भी जो आपके एनवायरनमेंट में चीज हुई है उसको आप कैसे अप्रेज कर रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो उस चीज को. ठीक है, प्रवोक अगर कोई कर रहा है तो आर यू थिंकिंग दैट इट इज प्रोवोकेशन, और आर यू जस्ट इग्नोरिंग दैट थिंग कि छोड़ो यार चाइल्डिश बिहेवियर है, लेट इट बी. ठीक है, एंड देन इज योर कॉग्निशन, कि आप कैसा थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो, कैसे डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्शन आप ले रहे हो, कि आप सोच समझ के अपना एक्शन कर रहे हो या बस एक फिट ऑफ रेज में अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो. सो ये एक जनरल अग्रेशन मॉडल होता है, और क्रक्स आपके जनरल अग्रेशन मॉडल का यही है
कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हमारी पर्सनालिटी दोनों के दोनों इंटरैक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म योर इनपुट वेरिएबल्स, और ये इनपुट वेरिएबल्स हमारा इंटरनल स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस डिस्क्राइब होते हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, कॉग्निशंस, डिसीजंस कैसे मेक कर रहे हैं, और हमारा अराउजल कैसा है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है. सो दीज आर सम ऑफ योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू अग्रेशन. आई होप दैट दीज आर क्लियर टू यू, एस्पेशली द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस बाय डॉलर्ड एंड मिलर. कोई डाउट अगर आपको है तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि यू नो यू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर बेस्ट ये है कि इन टर्म्स से रिलेटेड इफ यू आर एबल टू फाइंड रिसर्च पेपर्स ऑन गूगल स्कॉलर और ऑन एनी अदर रिसर्च साइट दैट यू फील कंफर्टेबल विद, तो आप रिसर्च पेपर पढ़िए, एकदम इन डेप्थ आपको क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक्स की. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड रीड सर्टन बेसिक बुक्स, जैसे कि जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय मॉर्गन एंड किंग है और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय सिसरेली है. आई पर्सनली लाइक द बुक बाय सिसरेली बिकॉज उसकी लैंग्वेज बहुत यू नो ईजी टू अंडरस्टैंड है विद एग्जाम्पल्स, एंड थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट होता हुआ भी है, सो यू विल बी एबल टू रिलेट विद द एग्जाम्पल्स एज वेल. अदरवाइज इट्स योर पर्सनल चॉइस, विच एवर बुक यू विश टू गो अहेड विद, आइदर द बुक ऑफ बैरन और द बुक ऑफ मॉर्गन और द बुक ऑफ सिसरेली. सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप दैट यू sort of gained something, या at least आपके concepts का revision हो गया होगा आज की video से. Thank you so much for watching it till here. I'm really 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 very grateful कि आप लोग अपना time invest करते हो and you are working so hard towards your goal. So till then, have a very good day, rest well, study well and take care. I'll meet you in the next video of social psychology and soon we'll cover up this paper and we'll move on to the next paper जो कि और भी interesting paper होने वाला है personality ka. So till then, have a good day and bye bye everybody.